एसओसीटा प्लस टेबलेट कहाँ पर चलाई जाती है, किस तरीके से काम करती है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, डोज क्या है, सावधानी क्या है, कौन नहीं ले सकता, संपूर्ण रिव्यू करेंगे इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों एसओसीटा प्लस टेबलेट साइन फार्मास्यूटिकल कंपनी का आता है। इसमें इस सोल्ट में इस कंपनी में जो बनाया है इसके अंदर जो सोल्ट आते हैं वो है कॉम्बिनेशन में। पहला है एसिटालोपराम 10 मिलीग्राम, इसके साथ दोस्तों एक और आता है कलोनाजीपाम 0.5 मिलीग्राम। अब ये साथ में कॉम्बिनेशन में क्यों बनाई जाती है आगे बात करेंगे, कलोनाजीपाम के साथ क्यों दी जाती है आगे बात करेंगे। अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तभी इसका यूज कीजिएगा, वरना सेल्फ यूज मत कीजिएगा। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया आपको, अगर नहीं मिली तो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि सन फार्मा कंपनी आती है नेक्सिटो प्लस टेबलेट, कलोनाफिट आती है मैनकाइंड की, कलोनाफिट प्लस आती है मैनकाइंड की, वहाँ पर ये सेम सोल्ट में डॉक्टर देते हैं, तो ये आप ले सकते हैं ऑप्शन में। एसिटालोपराम और कलोनाजीपाम में आप दो और भी बहुत सारी कंपनियां में ले सकते हैं दोस्तों। न्यू सीटा प्लस टेबलेट आती है एलकेएम की, वो भी ले सकते हैं। देखिए बात करते हैं ये कहाँ पर चलाई जाती है, तो ये एक एंटी डिप्रेजेंट मेडिसिन है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम अगर है, कोई व्यक्ति है डिप्रेशन में है, वहाँ पर डॉक्टर इसे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर और फिजिशियन डॉक्टर दे सकते हैं। या फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर है, रात को पूरी रात व्यक्ति जगा रहता है, नींद नहीं ले पा रहा, कंप्लीट जो नींद का साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो गया है, कभी रात को 2 बजे आ रही है, कभी रात को 4 बजे आ रही है, कभी आ ही नहीं रही, तो वहाँ पर डॉक्टर इसे चला सकते हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा डीप तक सोच रहा है, एंजाइटी में चला गया है, बाहर नहीं आ पा रहा, वहाँ पर डॉक्टर दे सकते हैं। दोस्तों कई बार देखा गया है डॉक्टर इसे स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम में भी देते हैं, कई बार देखा गया दे सकते हैं। वैसे ओलंजापाइन दिया जाता है लेकिन ये भी दे सकते हैं दोस्तों। नींद नहीं आनी है वहाँ पर भी दे सकते हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, मूड बहुत ख़राब रहता है, किसी से बात नहीं करता, अकेला रहता है, सोशल एंजाइटी है, वहाँ पर भी डॉक्टर देते हैं। इन सभी प्रॉब्लम में डॉक्टर दे सकते हैं। ये क्या करती है दोस्तों, दिमाग के अंदर कुछ केमिकल मैसेंजर होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन क्या करता है, सेरोटोनिन मूड को फोकस करता है, मूड को बेहतर बनाता है, खुशनुमा बनाता है, पॉजिटिव थिंकिंग लाता है। उसकी कमी हो जाती है दोस्तों एंजाइटी, वहाँ पर इसको बूस्ट करने के लिए, इसके मैक्सिमम लेवल को बढ़ाने के लिए डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसे क्या होगा, व्यक्ति के मूड में अगर सुधार आएगा तो व्यक्ति अपने आप ठीक होने लगेगा। डोज की बात करें, रात को एक टेबलेट डॉक्टर देते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर अगर दिन में भी प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर सुबह शाम भी डॉक्टर कर सकते हैं। मैक्सिमम इसे दिन में 3 बार ले सकते हैं और बॉडी वेट के हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे कि मुंह सूख सकता है या मुंह छाले हो सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, वोमिटिंग भी हो जाती है या कब्जे की दिक्कत रहने लगती है दोस्तों लेने के बाद। ये इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं। कभी कभार होते हैं कुछ पेशेंट में जो कि अपने आप ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल है। ज़्यादा अगर परेशान हो रहे हो तो डॉक्टर की राय ले लीजिएगा, इसका यूज और मत कीजिएगा, बिना डॉक्टर की एडवाइस से इसका यूज मत कीजिएगा, ये अच्छा नहीं रहता दोस्तों। इसकी सावधानी ये है, कोई महिला जो प्रेगनेंसी में है या ब्रेस्ट फीडिंग में है वहाँ पर डॉक्टर की एडवाइस जरूरी है, बच्चे के लिए सेफ रहती है डॉक्टर की एडवाइस। एल्कोहल यूज कर रहे हो वहाँ पर डोज मत लीजिएगा, नुकसान हो सकता है एल्कोहल के साथ। दोस्तों अगर गाड़ी चला रहे हो वहाँ पर भी इसके डोज मत लीजिएगा, गाड़ी चलाते समय इसके डोज मत लीजिएगा, गाड़ी चलाने के बाद रात को सोते समय ले सकते हैं, नींद आती है दोस्तों उसको टेबलेट लेने के बाद। तो यह था फुल वीडियो, कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा और कौन सी मेडिसिन भी आपको वीडियो देखना है। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।